कल तक तो लंच टाइम में भी टिफिन बॉक्स खोलने का मन नहीं करता था। फिर बॉस ने मुझे दिया राजेश मसाला। इसमें टेस्ट ऐसा है कि टेस्ट ऐसा कि रहा ना जाए। बॉस, इन्हें भी राजेश मसाला चाहिए। राजेश मसाला। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं फलक शेख। आई चलते हैं खबरों की ओर। शहडोल, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कुशाभाउ ठाकरे जिला अस्पताल में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज महिला पुरुष सुरक्षा कर्मी लामबंद होकर सीएमसी कार्यालय के सामने बैठकर विरोध कर रहे हैं। 6 माह से वेतन नहीं मिलने से सुरक्षा कर्मियों के परिवार भूखे मरने के कगार पर हैं। कुशाभाउ ठाकरे जिला चिकित्सालय में पदस्थ गार्डों को बीते 6 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे नाराज जिला चिकित्सालय के समस्त गार्ड एकत्रित होकर सीएमएचओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। गार्डों का कहना कि यदि उन्हें वेतन नहीं मिला तो वह भूखे प्यासे हड़ताल पर बैठे रहेंगे। गार्डों को तनख्वाह न मिलने के कारण गार्ड का पूरा परिवार भूखो मरने की कगार पर आ गया है, जिससे नाराज गार्डों ने आज सीएमएचओ को एक ज्ञापन सौंप कर कहा कि यदि समय पर वेतन न मिला तो हम धरने पर बैठे रहेंगे। जिला ब्यूरो चीफ सलाम अंसारी की रिपोर्ट। भैया, हम लोगों की तनख्वाह नहीं मिली है और माने ये 6वां महीना चल रहा है और हम लोग बहुत परेशान है। हमारे गार्ड भैया, हमारी लेडीज बहने, हम लोग बहुत परेशान है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी पेमेंट हमें मिल जानी चाहिए। यदि नहीं मिलती है तो हम काम पे नहीं आएंगे। हम में से कोई भी नहीं आएगा। ये 6वां महीना चल रहा है भैया, 6वां महीना चल रहा है जी। बस हमारी पेमेंट मिल जाए बस जी। हमारे सेमोर सर से हमने सभी लोगों ने बात किया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे, बट हमें तसल्ली नहीं है। इसलिए हमने जब तक हमें ये बोल ना दिया जाए कि हमें पेमेंट कम मिलेगी। आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे? हमें लेडीज 9 गार्ड है और भैया लोग माने कुल मिला के हम लोग 24 गार्ड है। ये बात सही है कि उनका वेतन 6 महीने से नहीं मिला है, तो इसमें ये आउटसोर्सिंग से लगे हुए हैं। आउटसोर्सिंग की जवाबदारी है उनका भुगतान किया जाना, तो मैंने अभी इनको नोटिस जारी किया है। और क्योंकि शासन से उसको भुगतान किया जाना है आउटसोर्सिंग एजेंसी को, तो शासन स्तर से फंड अभी नहीं आया है। मैंने राज्य स्तर पर बात की है और मैंने उनको पत्र भी भेजा है कि तत्काल उनको फंड दिया जाए, जिससे इसका निराकरण किया जा सके।